साडी गड्डी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं ना, ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट हिडन फूड जेम्स हैं। हम बात कर रहे हैं करमपुरा की, और इस जगह पे ना आपको छोटी से एरिया के अंदर इतने सारे डिफरेंट फूड आउटलेट मिलेंगे ना। सबसे पहला एंट्री मारते ही आपको मिलने वाले हैं राजेंद्र जी के छोले भटूरे। मतलब आप करमपुरा आए और आपने राजेंद्र जी के छोले भटूरे नहीं खाए तो ऐसा कैसे चलेगा, है ना। तो चालू करते हैं अपनी वीडियो, देखिए मेकिंग और एंड में खा के बताएंगे। फेमस है अपने छोले भटूरों के लिए, वो है राजेंद्र के छोले भटूरे। यूजुअली दे डोंट अलाउ टू शूट, बट हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अलाउ कर दिया। टेक अवे है यहाँ पे सिर्फ, अगर आप कभी खाना चाहते तो आओ, अपना पैक करा के घर लेके जाओ। बट स्टिल उन्होंने हमें प्लेट में सर्व कर दिया है। 70 rupees इज द प्राइस ऑफ प्लेट, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना लिस्ट पूरी नहीं होगी इनके बिना। हाँ सच में, मतलब हम करमपुर आए हैं, ये छोले भटूरे ना खाएं, राजेंद्र के छोले भटूरे ना खाएं कैसे। तो ये हम लेते हैं एक बाइट, बढ़िया सी, दो इज ऑलरेडी वेरी फेमस, बट करमपुरा की बेस्ट में तो यार ये बनती आनी। मैं बाइट लेते बताते हूँ कैसी है। भाई मज़ेदार, बहुत ही चटपटे, बहुत ही सॉफ्ट छोले हैं, वो मैं जाते खोल रहे हैं और एकदम से ब्लास्ट आ रहे हैं बहुत सारे मसालों का। जन्नत मिल गई यार, ये तो शुरुआत ही नहीं बढ़ी है। वीडियो में बहुत कुछ हम आपको अमेजिंग दिखाने वाले हैं। टाइमिंग में आगे बता देते हैं आप लोगों को, सुबह 8:30 शॉप खुल जाती है, शाम को 7:30 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हो, अपना छोले भटूरे इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास है छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल, छोले समोसे, छोले कचौड़ी। बेसिकली जो इनकी शॉप के अंदर जो जान है ना, वो इनके छोलों की है, तभी इन्होंने इतनी सारी आइटम निकाल दी इसके साथ। भाई मजेदार, मजा आ गया। वैसे तो छोले भटूरे की एक प्लेट बहुत है एक बंदे के लिए, बट हमारी प्रियंका का पेट इससे कहां ही भरने वाला था। तो उसके बाद हम गए spicy.com के पास। यहां पे ना जो बर्गर की वैरायटी मिलती है, और जो सॉसेज ये यूज करते हैं, और जो इनकी पैटी होती है ना क्रिस्पी क्रिस्पी, ओए होए होए। इस टाइम गैस थोड़ा सा कोविड का इशू चल रहा है, जो ये वीडियो शूट है हमने काफ़ी पहले करी हुई है, तो हम अभी आपको यही बोलेंगे कि आप प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, बैठ के देखिए, इंजॉय कीजिए, और ना एक नोटपैड में लिस्ट बना लो, जब कोविड खत्म हो ना जाके जरूर ट्राई करना। छोले भटूरे बर्गर तो है ही, और आगे भी आपको चीज़ें दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। ओए होए, हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। आपने इसकी मेकिंग तो देखी होगी, कितनी ज़्यादा अमेजिंग थी, और टेस्ट में उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी है। गाइस मैं आप लोगों को यहाँ की डिटेल्स बता देती हूँ। हम लोग आज आए हैं spicy.com पे, जिसके टाइमिंग्स रहते हैं शाम को 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक। ये करमपुरा का जेम है, आई एम टेलिंग यू। आपको ऐसे बर्गर मैंने तो अभी तक नहीं खाए हैं, आपने खाए हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। 25 से प्राइस शुरू हो जाता है भैया का, और मैक्सिमम जाते हैं 60 rupees तक। ये देख रहे हो कितनी सारी सॉसेज, और मैं आपको पनीर दिखाती हूँ इसमें कितना थिक पनीर है। ये जो आप देख रहे हो ना, पूरी पनीर की लेयर है। लेट मी हैव अ बाइट। सुपर डिलीशियस, देख रहे हो कितनी थिक पनीर की लेयर है। हम लोगों ने लिया है अपना शेजवान टिक्का बर्गर। हमारे यहाँ चार तरह का है, स्पाइसी के हिसाब से है सारा कुछ। आपको स्पाइसी कैसा चाहिए, जैसे हल्का फुल्का, अच्छा खासा, भयंकर या महाभयंकर, या नॉन स्पाइसी, हर तरह का है। अच्छा, जिसका जैसा टेस्ट है वैसा लीजिए। आपको कैसा खाना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और क्या मौसम हो रहा है यार, मजेदार, मतलब भगवान कह रहे बच्चों बढ़िया से वीडियो बनाओ, एंजॉय करके खाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे एक सोया चाप समोसा, मलाई पनीर कर दो एक, ये लीजिए। थैंक यू भैया। वैसे ये साडी गड्डी का ना, हम गड्डी का बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों मैं ले आई हूँ अपने गर्मा गर्म समोसे, और यहाँ पे कुमार समोसे इज
वेरी फेमस, मतलब मेरे हिसाब से जो कहते हैं कि जो ये समोसों के साथ इनोवेशन हुई है वो अंकल जी ने ही करी है और हमने इनकी स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप कुमार समोसे शादी गड्डी डालोगे आपको पूरी इनकी हिस्ट्री डिटेल्स मिल जाएंगी। 30 रुपीज प्राइस होता है, कोई भी समोसा आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटी है। हम लोगों ने जो किया है, वैसे मेरे को पास्ता खाने का मन था बट ख़त्म हो चुका था, और यूजुअली यहाँ पे समोसे जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने किया है मलाई पनीर, ओए होए कितना सारा पनीर है। सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे ये सीरीज़ में, क्योंकि ना आपको एक ही दिन में इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट करना, तभी मैं आगे आके आप लोगों के एरिया की भी एक्सप्लोर करके वीडियोस बनाऊंगी। प्लीज़ डू सपोर्ट एंड शो सम लव गाइस। लेट मी हैव अ बाइट नाउ। समोसा फैन है ना, उसका यहाँ पे आने बनता है। मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा समोसा। इसके साथ आपको जो ये चटनी मिलेगी ना, ये है हमारा सोया चाप स्पाइसी। वाह, ये देखिए, किसी भी फ्रेंड से लड़ाई हो रही है समोसे और चाप पे के बीच में, यहाँ पे आ सकते हो, खा सकते हो अपना। अगर फ्यूजन फूड के दीवाने हो तो इट्स अ मस्ट गो प्लेस फॉर यू गाइस। कुमार समोसे सुबह 8:30 बजे अंकल जी शॉप लगा देते हैं, शाम को 7 बजे तक मैं आपको सजेस्ट करूंगी। कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 8:30 भी बज जाते हैं, बस 7 बजे तक खत्म हो जाते हैं माल। समोसा खाने के बाद हम निकले मेरी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन जो करमपुरा में है, पिशोरी चाप पॉइंट। जो यहाँ की चाप है ना, इतनी सॉफ्ट, इतनी मसालेदार और इतनी मतलब क्या बोलूँ मलाईदार होती है ना, खा के ही मजा आ जाता है। तो लेट्स गो और आपको दिखाते हैं बनती कैसे है। यहाँ पे ऋषि बिठा रहे हैं, सेटिंग फोटोज ले रहे हैं और बारिश हमारी शुरू हो गई है और भैया ने अपनी सेटिंग बिठा लिया यहाँ पर, बस बारिश से बचे रहना ही। आज भगवान का ना कुछ और ही प्लान है, बारिश में भिगो भिगो के हमें मतलब हम खाना खा रहे हैं। तो भाई लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये करमपुरा के वन ऑफ द बेस्ट में आना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो ये फ्लेवर है ना कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये है हमारा मशरूम टिक्का, 50 रुपए की प्लेट मात्र ही है। ये हमारी मलाई चाप, 50 रुपए की प्लेट है। और आप क्रीम चेकआउट करोगे, देखो फुल ऑन क्रीमी, फुल ऑन फ्लेवरफुल। 5 रुपए की रुमाली ली है, तो जल्दी से बाइट लेते हैं। ये तोड़ो रुमाली, ये लगाओ चाप, बढ़िया हल्की सी चटनी, ये बन गई आपकी बढ़िया वाइट। भाई जो इनकी मलाई चाप है ना, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बाहर से बढ़िया क्रिस्पी। मुझे ये नहीं समझ आता यूज़ इन इंटरनेट करते हैं, लेकिन टेस्ट समूह कैसे आता है। बहुत ही अच्छे फ्लेवर हैं। टाइमिंग इनकी रहती है 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अब बात करते हैं अपने मशरूम टिक्का की। ये देखो बढ़िया से रोस्ट करा हुआ, इसके अंदर थोड़ा कम क्रीम ये डालते हैं। लेते हैं बढ़िया मशरूम की बाइट। इसके अंदर ना जो फ्लेवर है वो एज कम्पेयर टू दिस काफी ज्यादा स्पाइसी है, काफी मसालेदार है ये। और जो मशरूम की क्रंचीनेस होती है उसका तो जवाब ही अलग होता है। तो ये जगह भाई हमने आज कवर करी है, कुछ ना कुछ बात है जगह में इसलिए करी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। मुझे ये चीज समझ नहीं आती रिशु, दे आर यूजिंग न्यूट्रलाइट एंड दे आर ओपनली सेइंग इट, ठीक है, बट जो उसका फ्लेवर है यार वो बिल्कुल अमूल मक्खन वाला आता है। बताइए वो क्या करते हैं, और उनके मसालों में जो जान है और उनकी जो चाप सॉफ्ट है, ओए होए होए होए। मतलब उसका ये कि आज तक जिसके बाद भी हमने खाया है ना, हाँ। जो जो बोलता है अमूल है सब झूठ, क्योंकि मैं आज तक अमूल यूज करा ही नहीं है, करता हर उनका न्यूट्रलाइट है पर पता था वही तो ये है। रात को 10 बजे तक भैया यहाँ पे अपना मैंगो शेक का शॉप लगाते हैं
और ये पूरा करमपुरा का एरिया में आज कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी गेड़िया हमारे साथ खाना खाने का सफर। तो इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, उतना ही हम ज्यादा आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।